तो दोस्तों अपने मुर्गी को बिठा दिया, ये देखे बैठी हुई है, इसको बाहर फेंकते हैं। दो अंडों पर बैठी हुई है, पांच अंडे रखे थे और तीन तोड़ दिया दूसरी मुर्गी ने। तो दोस्तों बेचारी हमारी मुर्गी बैठी रहती है यहाँ पर, तो ये देखें उसका अंडा रखा हुआ है, तो आज इसको अंडों पर बिठाएंगे। तो बेचारी बैठी रहती है अंडों पर ऐसे। तो दोस्तों अभी इसमें भूसा डालते हैं और बिठाएंगे अपनी मुर्गी को अंडों पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज एक सुबह सुबह आप सब दोस्तों को खुशखबरी दूंगा, गुड न्यूज़ दूंगा। तो पहले मैं देखता हूं और आप सब दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत की है और ये दीवार तो हमने बना लिया इस खुड्डे में, और ये रखा हुआ है भूसा, और इसमें अंडे रखते हैं और बिठाते हैं अपनी मुर्गी को प्यारी को। और ये अंडे दोस्तों रखते हैं और देखें मुर्गी आ गई है, देखें ये देखें क्या कर रही है, जोर लगा रही है। तो दोस्तों अंडे मैंने सेट कर दिए हैं और देखते हैं मुर्गी बैठती है या नहीं बैठती। ने अभी तक अंडे भी नहीं दिए और बैठ ये भी रही है, देखें ये बैठने लग गई है हमारी मुर्गी। अंडे इस मुर्गी ने दिए है और बैठ हमारी ये मुर्गी गई है, देखें। तो फाइनली दोस्तों आज की जो खुशखबरी देनी थी आप सब दोस्तों को, मैंने देख लिया है, मुझे पता भी लग गया है। हमारी मुर्गी थी ना एक असील मुर्गी थी और गोल्डन थी, गोल्डन को बिठाने लगा था रात को, लेकिन हमारी असील मुर्गी बैठ गई अंडों पर। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, देखते हैं कि बैठती है हमारी असील मुर्गी या नहीं बैठती, क्योंकि वो अभी तक कुड़ुक थी, उसके साथ छोटा सा चूज़ा था ना, वो बिल्ली ले गई थी और अभी तक उसने अंडा एक भी नहीं दिया था असील मुर्गी ने। अब उसको मैं हाथ लगाता था तो वो कुड़ुक कुड़ुक की आवाज़ देती थी, तो कुड़ुक मुर्गियाँ जो देती है ना आवाज़, तो वो आवाज़ देती थी। जिसको बिठा देते हैं बैठती है या नहीं। मैंने जैसे इसको छोड़ा वो अंडों पर जाके बैठ गई और मैंने अपनी गोल्डन मुर्गी को नहीं बिठाया है। चूज़ों की खुशी मिलेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो यार इसको बहुत ही ज़्यादा मार रही थी हमारी मुर्गियाँ और मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, तो अभी ये बंद है तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये हमारी असील मुर्गी का छोटा सा खुड्डा बनाया है, क्योंकि वो हमारी दूसरी मुर्गियाँ जो है ना उसको मारती थी। और ये देखिए नुकसान हुआ पड़ा है हमारा, एक अंडा ये टूटा पड़ा है, एक ये भी टूट गया है, ये देखें ना यहाँ से टूट गया है, और तीन बच गए हैं बाकी। तो मुर्गी को अंडों पर बिठाया है, बैठ गई है और नुकसान भी कर दिया है दूसरी मुर्गियों ने, तो बैठ गई थी मुर्गी हमारी। अभी अपनी मुर्गी को कंफर्म बिठाने लगे हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अपनी मुर्गी को बिठा दिया, ये देखे बैठी हुई है, क्या देखना है, चलो भागो, चलो चलो चलो, बंद कर दिया मुर्गी को। दोस्तों ये है वो मुर्गी जिसको बिठाने लगे थे और बैठ दूसरी मुर्गी गई है, और ये हमारा मुर्गा और ये असील मुर्गी, डरती बहुत है दोस्तों, पता नहीं क्या वजह है इसको। और वो देखें हमारी गोल्डन मुर्गी ये रही। और चलते हैं अभी ऊपर छत पर, कबूतरों की भी अपडेट देते हैं आप सब दोस्तों को, जैसे हर वीडियो में देते हैं। पहुंच गया हूं और देखें कबूतरों का शौक करें, कुछ धूप लगवा रहे हैं, पानी भी डाल दिया इनको, और कुछ नहा भी रहे थे सुबह दोस्तों। और ये देखें इनका शौक करें, आज एक कबूतर नहीं पकड़ा। अब सबको शौक कराता हूँ कि कौन सा कबूतर हमने पकड़ा है, उसके पार भी बांध दिए हैं। तो दोस्तों ये कबूतर हमने पकड़ा है अभी अभी, न्यू कबूतर पकड़ा है, और इसके पल्ले चेक करें माशाल्लाह। तो ये देखें इसके पार जो है ना हमने बांध दिए हैं, क्योंकि ये न्यू कबूतर है, उड़ ना जाए। ये देखें दोनों पार इसके बांधे पड़े हैं, तो शौक करें इसके परों पर।
तो दो रंगा कबूतर है, पूछ इसका वाइट है और ब्लैक कबूतर। तो माशाल्लाह इसकी चोंच चेक करें और आँख चेक करें और ये देखें पीछे चमकीला कलर है, बहुत ही प्यारा कबूतर है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। एक बात और भी बतानी थी आप सब दोस्तों को कि इस मास्टर केज में जो कबूतर थे ना हमारे, सारे बाहर निकाल लिए हैं और बल्लफ लगा हुआ था, बल्लफ भी हमने निकाल दिया है और ये कबूतर बैठे हुए हैं हमारे। और इस सेटअप में मास्टर केज, छोटे मास्टर केज में जो है ना अपने कबूतरों को बंद करते हैं रात को, क्योंकि उस मास्टर केज में जो है ना ठंड जाती है और इसमें ठंड नहीं जाती। तो ये देखें यहाँ पर घोंसले भी बने हुए हैं और बल्लफ भी ये लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आपके सामने है सेटअप, ये बना लिया है हमने। तो यहाँ पर मज़े से बैठते हैं कबूतर हमारे और ठंड से भी बचे रहते हैं। ये देखें ये घोंसले बने हुए हैं इनके, तो मज़े से बैठे रहते हैं यहाँ पर। तो ये छोटा सा केज है और ठंड भी नहीं जाती। ये देखें ईंटें आई हुई हैं और ये पर्दा दे देते हैं ऊपर, सुकून से बैठे रहते हैं। आज कबूतर भी हमारे कुछ ठीक लग रहे हैं। उस मास्टर केज में ठंड ज़्यादा जाती है, चाहे उसके ऊपर पर्दे भी दे देते हैं ना, फिर भी ठंड जाती रहती है दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और ये तो ऊपर छत पर रखे हुए हैं, छत पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, नीचे कम होती है ऊपर ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यार अफसोस की बात है, 5 अंडे रखे थे और उनमें से 2 अंडे बच गए हैं, 3 टूट गए हैं और 2 बचे हैं अभी। 2 अंडों पर बैठी हुई है हमारी मुर्गी अभी, इसको बाहर फेंकते हैं। ये देखें दोस्तों अभी भी अंडे को खा रही थी। तो फाइनली दोस्तों अपने इस मुर्गी को बिठा दिया है, उसको उठा दिया, वो दूसरी मुर्गी को असील को ना, वो नहीं बैठती थी और ये बैठ गई है, सुकून से बैठी हुई है, हाथ भी नहीं लगाने देती। देखना दूसरी मुर्गी को नहीं बिठाएंगे, ये बैठी रहेगी, इंशाल्लाह निकालेगी बच्चे। पहली बार बैठी है अंडों पर दोस्तों, गुड न्यूज़ है हमारे लिए। 2 अंडों पर बैठी हुई है, 5 अंडे रखे थे और 3 तोड़ दिया दूसरी मुर्गी ने और इसको बिठा दिया, अब बैठी रहेगी यहीं पर, सेफ बैठी है, तो इंशाल्लाह बच्चे निकालेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।